अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एट योर होम। नाउ इट्स योर स्टडी टाइम, टेक आउट योर बुक्स। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर, वी रिव्यू आवर प्रीवियस लेक्चर। इन द प्रीवियस लेक्चर वी नो अबाउट द वर्ड्स विच हेल्पफुल टू रीडिंग दिस पोएम, विच इज द रेनबो। वर्ड्स टू नो, यानी कि हमने उन वर्ड्स को जाना था, उनको समझा था जिनकी हमें पोइम में ज़रूरत पड़ेगी। द फर्स्ट वन इज़ बो, समथिंग दैट इज़ कर्व लाइक एन आर्च, यानी कि एक ऐसी मुड़ी हुई चीज़ जैसे कि धनक, जैसे आपको एक पिक में दिखाई दे रहा है। हेवन द स्काई, आसमान, यहाँ पर हेवन स्काई को कहा गया है, आसमान को कहा गया है, वैसे हेवन हम जन्नत को कहते हैं। ओवर टॉप्स, बहुत ऊंचा, राइजेज ओवर द टॉप ऑफ, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई। सेल, व्हेन अ बोट ट्रेवल्स ऑन वाटर, यानी कि जब बोट्स जो हैं, कश्तियाँ जो हैं, वो पानी पर सफ़र करती हैं तो उसे हम कहते हैं सेल्स। क्लाउड्स कैन ऑल्सो सेल अक्रॉस द स्काई, यानी कि आसमान पर बादल जो हैं वो भी ट्रैवल करते हुए हैं, उसको भी हम कहेंगे वो सेलिंग कर रहे हैं। नाउ वी कम आउट विथ स्टार्टिंग अवर पोएम। बोट सेल ऑन द रिवर्स, कश्तियाँ दरियाओं पर चल रही हैं। एंड शिप सेल ऑन द सीज, और जो बैरी जहाज हैं वो भी समुद्रों में चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन बादल आसमान पर सफ़र कर रहे हैं। आर प्रीटियर देन दीज, और ये उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है? वो धनक। देर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स, दरियाओं पर पुल बांधे हुए हैं। एज प्रीटियर एज यू प्लीज, प्लीज का मतलब होता है खुश होना। एक प्लीज होता है मेहरबानी के लिए यूज़ होता है, और एक खुश होने के लिए, यानी कि जैसे आप खुश होते हैं ये उतने से उस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, बो क्या है? एक आर्स है, गोलाई है, जैसे कि धनक आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। आर्स गोलाई, उसको कहते हैं बो। दैट ब्रिजेस हेवन, यानी कि वो आसमान पर एक पुल की तरह शेप आपको दे रही है, पुल बना रही है। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और दरख्तों से वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और वो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक जैसे सड़क का काम दे रही है, सड़क बना रही है। इज प्रिटियर फॉर देन दीज, और ये उन सबसे बहुत कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आपका आज का लेक्चर। आपने इसको अच्छे से रीड आउट करना है, प्रोनाउंस नीटली करना है, और उसके बाद आपने मुझे इसकी वीडियो सेंड कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।